भी वही, यानी उसके अंदर उस समय भी क्या था, वही गंभीर वही शांत भाव बना रहता। नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट, कोई भी डिस्गस्ट का साइन नहीं दिखता, कोई भी ऐसा यानी चिन्ह दिखाई नहीं दिया जिसे आप डिस्गस्ट मान सकें कि वो इससे थोड़ा सा परेशान है या जो भाई मांग रहा है उससे कहीं वो बेचैन है। एंड रिग्रेट, और ना ही कहीं उसे कोई पछतावा था कि ये बंटवारा दिक्कत हो रही है, यानी उसे कुछ जा रहा है उसका, ये उसे बिल्कुल नहीं लगा। आई रिमेंबर, मुझे ठीक से याद है, द ईयर फादर डाइड, वो साल जब पिताजी समाप्त हुए, पिताजी मरे। वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, वी हैड टू लिव, हमें जीना पड़ा, हैड टू मजबूरी के लिए लगाते हैं, मैंने आपको बताया था H2M2R2 ना था नीति ने थे वॉज टू वर टू सॉरी H2M2R2 ना है नी है ने है और वॉज टू वर टू आप क्या करेंगे ना था नीति ने थे, ऐसे ही हैड टू पड़ा, तो वी हैड टू लिव, हमें जीना पड़ा अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, ग्रेट बड़ी फाइनेंशियल आर्थिक स्ट्रेन माने परेशानी। तो जब पिताजी खत्म हुए उस समय हमें बड़ी आर्थिक परेशानी हुई। इट वॉज विंटर, उस समय सर्दी का समय था, द चिल वॉज एट इट्स हाइट, और जो सर्दी थी वो अपने चरम पे थी। वी हैड अ लिमिट नंबर ऑफ ब्लैंकेट सॉरी लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट, हमारे पास सीमित कंबल थे, ब्लैंकेट माने कंबल। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, बाइटिंग कहते हैं एक कड़ाके की जो ठंड होती है उसके कहते हैं बाइटिंग कोल्ड, काटने वाली जो ठंड होती है। सर्दी बहुत कड़ाके की थी, पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, विशेषकर मध्य रात्रि के समय सर्दी बहुत हो जाती। दैट वन ब्लैंकेट वाज नॉट इनफ फॉर वन, वन ब्लैंकेट वो एक कंबल वाज नॉट इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, पर्याप्त नहीं होता फॉर वन एक आदमी के लिए, यानी उस समय एक कंबल में एक आदमी की या एक आदमी का गुजारा नहीं हो सकता था, इतनी ठंड थी। दैट नाइट उस रात आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, जिस दिन पिताजी खत्म हुए थे उस दिन की बात चल रही है, क्या उस दिन मैं पैसेज रूम में सो रहा था। पैसेज रूम कहते हैं एक ऐसा कमरा जिसमें से होकर अंदर निकल जाते हैं, तो अमूमन अपन लोग उसे पौर नाम के शब्द से संबोधित करते हैं। वेन आई वॉक अप इन द मॉर्निंग, तो जब मैं सुबह में जागा, आई फाउंड, मैंने पाया, माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी, कि मेरे जो बड़ा भाई था, बड़े भाई का जो कंबल था वो मेरे ऊपर था, एडेड टू माइन, और मेरे कंबल के साथ वो जुड़ा हुआ था। अर्ली एट डॉन, जल्दी ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड, ही हैड लेफ्ट, वो चला गया था टू द फील्ड यानी खेतों पर, तो वो जल्दी खड़ा होके खेतों पर चला गया, विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर। अमूमन वो क्या करता कि अपने कंबल को अपने कंधे पर डाल के ले जाता, वहां ठंड लगती तो वो ओढ़ लेता, लेकिन आज वो बिना कंबल के ही चला गया। इफ ही हैड बीन आस्क्ड वाई, यदि उससे पूछा जाता कि ऐसा क्यों किया, ही वुड हैव श्योरली सेड, तो वो निश्चित रूप से कह देता, इन हिज यूजुअल मैनर, अपने सामान्य भाव में, सहज भाव में, दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, क्यों उसे ठंड नहीं लग रही। तो ये कितनी बड़ी बात है कि वो अपने कंबल को छोटे भाई के ऊपर डाल गया कि ये सो रहा है, इसको ठंडी ज्यादा लग रही है, और जब उससे ये पूछा जाता कि तुम ऐसा क्यों कर गए, तो उसने कहा कि मुझे ठंड नहीं लग रही थी इसलिए रख गया। तो इससे छोटे भाई को भी समझ में आया कि ये मेरे ऊपर क्यों डाल के गया, क्योंकि मुझे ठंड ज्यादा लग रही थी। नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, अब बावली कहता है कि आज मेरे पास अच्छी खासी आमदनी है। Yet it had never occurred to me. It had never occurred. ये कभी संभव नहीं हुआ to me, मेरे लिए, क्या, to think of buying any warm cloth for my elder brother. Think of buying, कि मैं सोच सकूं खरीदने का any warm cloth, कोई भी गर्म कपड़ा for my elder brother, अपने बड़े भाई के लिए। क्या आज मेरी एक अच्छी खासी आमदनी है, मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन अपने बड़े भाई के लिए मैंने कभी एक कंबल तक नहीं खरीदा, उस बड़े भाई के लिए जो अपने कंबल को भी मेरे ऊपर डाल गया था। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड, वो फिर भी संतुष्ट है, यानी उसने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए,
एंड हैप्पी और वो बड़ा प्रसन्न है, तो वो आज भी बहुत संतुष्ट है, वो आज भी बिल्कुल प्रसन्न है। विद दैट ओल्ड टेदर्ड ब्लैंकेट, दैट अपने ओल्ड पुराने टेदर्ड फटे हुए ब्लैंकेट कंबल में, तो आज भी अपने उस फटे हुए कंबल के साथ संतुष्ट है। दैट ही हैड कवर्ड मी विद वंस, वही कंबल जिससे उसने कभी मुझे ढका था, आज उसके साथ वो संतुष्ट है। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर, वो समान वही ब्लैंकेट भी वहां था। बिफोर मी, मेरे सामने, यानी वो ब्लैंकेट मेरे सामने पड़ा था। विद ऑल द अदर थिंग्स, बाकी की सारी चीजों के साथ था। आई शिवर्ड विद द कोल्ड, आई शिवर्ड में कांप गया विद द कोल्ड, ठंड से। एंड माई ऑन इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड कहते हैं कृतज्ञता, यानी किसी ने तुम्हारे लिए इतने अच्छे काम किए हो और तुम उसके बदले में उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो वो कह रहा है कि मैं कांप गया सर्दी से भी और अपनी कृतज्ञता से भी। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, यानी बाबली को अपने अंदर इसी बात पे बहुत छोटापन महसूस हुआ कि मैंने भाई के लिए कुछ नहीं किया। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, बंटवारे का जो प्रोसेस था, जो क्रियाविधि थी, दो वो पूर्ण हो गई। वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी सेकेंड ब्रदर, दूसरे भाई ने डिमांडेड, मांगा। माई एल्डर ब्रदर एग्रीड, मेरा बड़ा भाई संतुष्ट हो गया, सहमत हो गया। तो मेरा जो बड़ा भाई था वो हमेशा सहमत रहा टू इट, उसकी मांग पर, विद अ स्माइल और मुस्कुराहट के साथ, जैसे उसने जो भी मांगा कि मुझे ये चाहिए तो ले जाओ। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज्ड टू बाई द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 rupees एज द प्राइस। तो वह कहता है कि माई सेकेंड ब्रदर, के मेरा जो दूसरा भाई था वो प्रपोज्ड टू बाई, उसने प्रस्ताव किया खरीदने का द शेयर, उस हिस्से को, द लैंड ऑफ लैंड जमीन के, दैट वॉज गिवन टू मी, जो मुझे मिली थी। तो दूसरा भाई कितना खराब था कि उसने यह कहा था कि तुम्हें जो जमीन मिली है अगर तुम चाहो तो इस जमीन को हमें बेच सकते हो। एंड ऑफर, और इसके बदले में उसने मुझे पैसे का ऑफर भी किया 18,000 rupees एज द प्राइस, कीमत के रूप में उसने मुझसे कहा कि 18,000 rupees पूरी जमीन के तुम ले लो और अपनी जमीन हमें दे दो। इन द इवनिंग, शाम के समय, माई एल्डर ब्रदर टुक मी एलोंग विद हिम, कि मेरा जो बड़ा भाई था टुक मी, मुझे ले गया एलोंग विद हिम अपने साथ, टू शो, दिखाने के लिए मी, मुझको, द पैडी फील्ड्स, वो धान के खेत, दैट वर टू बी माइन, जो मेरे हिस्से में आने थे, जो मेरे होने थे। तो मेरा जो बड़ा भाई था वो मुझे बुला के ले गया कि चलो अब तुम्हें वो खेत दिखाई देता हूं जो तुम्हें मिल गए। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं शांति से बड़े भाई के पीछे पीछे चलता रहा। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम खेत की एक सीमा से दूसरी सीमा पे पहुंचे, मतलब एक मेड़ से दूसरी मेड़ पे पहुंच गए। एवरीवेयर, हर जगह, आई कुड फील, मैंने महसूस किया, द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, उसके पैरों के निशान मैंने महसूस करे, हिज पाम, उसकी हथेलियों को, एंड हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों को। तो ना तो खेत में पैरों के निशान, ना उंगलियों के, ना हथेलियों के मिलते हैं, यानी उसके परिश्रम को उसने महसूस किया। ऑन द बॉसम ऑफ द पैडी फील्ड, बॉसम माने छाती, तो खेत की छाती पे, धान के खेतों की छाती पे स्पार्कल्ड, चमक रहा, द पल्स मोती ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट, मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती चमक रहे थे। यानी सीधे सीधे वो जो पैडी उसको, यानी जो धान उसको दिख रहा था, उसके रूप में उसे लगा कि ये मेरे बड़े भाई का पसीना है। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड्स, उसने मुझे खेत दिखाए, एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर, जैसे कोई पिता इंट्रोड्यूस, परिचित कराता है ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, टू फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों से। तो मेरे बड़े भाई ने पिता की भूमिका निभाई, मुझे इस तरीके से खेत दिखाए जैसे कोई घर में अपरिचित आ जाता है तो पिता अपने सब लोगों को उससे मिलवाता है। इन द मॉर्निंग, सुबह, आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मुझे भुवनेश्वर के लिए
आई हैड नो करेज टू मीट, यानी मेरे अंदर साहस नहीं था मिलने का माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई से. बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप छोड़ने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर द स्लिप ऑफ पेपर. आई हैड हैंडेड ओवर, मैंने हाथ में थमा दी द स्लिप ऑफ पेपर, कागज की वो पर्ची, ऑफ माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, अपनी बड़ी भाभी को. यानी जाते समय मैंने एक कागज की पर्ची स्लिप अपनी बड़ी भाभी को दे दी, विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, जिसमें सारी विस्तृत जानकारी थी मेरे हिस्से के बारे में. राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, राइटिंग माने लिखते हुए, ऑन द ब्लैंक साइड खाली तरफ ऑफ दैट स्लिप, यानी उस पर्ची का जो हिस्सा खाली था उस पर मैंने लिखा. आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर. आई हैड आस्क्ड, मैंने कहा था हर यानी भाभी से, टू डिलीवर इट, के इसको दे देना टू माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई को. एंड स्टील्थली स्लिप्ड आउट ऑफ अवर हाउस, और बड़ी चुपचाप, स्टील्थली चोरी से, चुपचाप मैं निकल गया घर से. आई हैड रिटर्न, मैंने क्या लिखा था वो नीचे लिखता है कि ब्रदर भाई, व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, क्या मैं जमीन का क्या करूंगा. यू आर माई लैंड, आप ही मेरी जमीन हो. फ्रॉम वेयर, जहां से आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, आई कुड हार्वेस्ट, मैं प्राप्त कर सकता हूं एनीथिंग, कुछ भी इन लाइफ जीवन में. आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय आपके. एक्सेप्ट दिस, इस जमीन को स्वीकार करो प्लीज, कृपया. इफ यू डिनाई, यदि आप मना करते हैं, यदि आप नकारते हैं, आई शैल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन. आई शैल नेवर शो, मैं कभी नहीं दिखाऊंगा माई फेस, अपना चेहरा, टू यू, आपको अगेन, दोबारा. तो ये बाबुली का ट्रिब्यूट हुआ अपने बड़े भाई के लिए. अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो चैप्टर है इसका नाम ट्रिब्यूट क्यों रखा गया. तो ये समर्पण हुआ छोटे भाई का एक बड़े भाई के लिए, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है द ट्रिब्यूट. एक बार इसके वर्ड मीनिंग देख लीजिए. पहला वर्ड दिया है स्प्राउटिंग. स्प्राउटिंग मैंने आपको बताया था, जब नया नया जो बीज होता है उसका अंकुरण होता है तो उसके लिए अपन लोग स्प्राउटिंग लगाते हैं, फूटकर प्रकट होना. कॉगुलेट का मतलब होता है जम जाना. विक बाती होती है. हाउलिंग, हाउलिंग का मतलब होता है शोर करना. कलप्स माने ढह जाना. एब्डोमाइनेबल लुल, इसका मतलब होता है नफरत भरी जो शांति होती है, चुप्पी होती है. विसिनिटी, आसपास. क्लच, जकड़ लेना. हीप, ढेर. लैडल, चमचा. बीटल, पान. स्ट्रैप, पट्टा. ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब क्या होता है, कोई चीज धीमे धीमे बहती है, बूंद बूंद करके बहना, उसे कहते हैं ट्रिकल. माउट के गिरवी रख देना. डिस्पैशनेटली, शांति से. टेदर्ड, फटा हुआ. इम्प्रिंट का मतलब होता है पैरों के निशान, पद चिन्ह जिसे कहते हैं. बॉसम मींस छाती. स्टील थ्री मींस होता है चोरी से. तो बस ये इसके ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही वर्ड मीनिंग है. हालांकि ये जो सेकंड है यानी जो 10th चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको पहले से कम है. पहले में आपके ए पार्ट में 10 थे और बी में 4 थे, या आपको ए पार्ट में 6 ही मिलेंगे और बी में आपके 4 मिलेंगे.